गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम हिस्ट्री के एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है बंग बंग रद्द और राजधानी की तब्दीली जो हुई थी 1911 में। बंग बंग रद्द क्या है ये हमें पता ही होगा आप सभी को भी कि बंगाल की तकसीम हुई थी 1905 में, और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी तहरीक शुरू हुई थी, जिसमें बंगाल की जो तकसीम हुई थी उसकी सख्त मुखालिफत की गई थी। तो इस तरह से जो मुखालिफत हुई थी उसकी वजह से बंग बंग रद्द मतलब बंगाल की तकसीम की गई और राजधानी की भी तब्दीली की गई। तो किस तरह से हुई उसको हम समझते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बंगाल की तकसीम का गहरा रद्दअमल मुरतब हुआ। पार्लियामेंट दोबारा गौर व फिक्र करके सिर्फ 6 साल बाद में बंगाल की तकसीम रद्द करने पर मजबूर हो गई। 1905 में जो वायसराय कर्जन के ज़रिए बंगाल की तकसीम की गई थी उसमें इतना ज़्यादा गहरा रद्दअमल पेश हुआ कि अंग्रेज़ सरकार को बंगाल की जो तकसीम थी उसको रद्द करने का फ़ैसला लेने पर वो मजबूर हो गई। हिंदुस्तानियों के लिए तो ये एक यादगार फतेह थी। इतिहाद के ज़रिए एक होकर मुतहद रहकर हम क्या कर सकते हैं, इसका एक जिंदा जावेदा सबूत था, एक जावेदा मिसाल थी कि वो एक हो सकते हैं तो अंग्रेज़ों को अपनी जो भी पेशकश से वो कबूल करवाने पर वो मजबूर हो सकते हैं। बंगाल की तकसीम के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीक से हमारे मुल्क के लोगों को और मुस्तकबिल की नई नस्लों को कौमी तहरीक के ज़िमन में एक अहम दर्स और हौसला अफजाई हासिल हुई थी। घर आंगन के हालत पर काबू पा लेने के अज़्म के साथ ब्रिटिश सरकार ने बरतानवी हुक्मरान जॉर्ज पंजुम को हिंदुस्तान की मुलाकात के लिए मधु किया और दिल्ली में एक शानदार दरबार लगाया, जिसमें जॉर्ज पंजुम के वसीले से बंगाल की तकसीम का जो फ़ैसला था उसको रद्द करने का ऐलान किया गया। साथ ही साथ जो इंकलाबी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका था कोलकाता, उसको बतौर राजधानी जो थी उसे कैंसिल कर दिया गया और दिल्ली को नई राजधानी बना दिया गया, क्योंकि कोलकाता एक इनकलाबी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका था जो अंग्रेज़ों के लिए ठीक नहीं था, इसीलिए उन्होंने दिल्ली को नई राजधानी बना दिया। बंगाल की तकसीम रद्द होने पर मुसलमानों ने सरकार पर शदीद नुक्ताचीनी की और अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। क्यों किया इसका अंदाज़ा हमें होना चाहिए कि बंगाल की तकसीम किस तरह से हुई थी। कुछ इस तरह से हुई थी कि एक हिस्सा हिंदू मेजॉरिटी वाला हो गया था और दूसरा जो हिस्सा था वो मुसलमान की मेजॉरिटी वाला हो गया था। इससे मुसलमानों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो फ़ायदा ही था उनके हिसाब से, इसीलिए मुसलमानों ने अंग्रेज़ सरकार पर नुक्ताचीनी की। साथ ही साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अक्सरियत हिंदुओं के आगे मतलब हिंदुओं की तादाद हिंदुस्तान में ज़्यादा थी, तो अंग्रेज़ों ने उनके सामने अपने घुटने टेक दिए मतलब के हार मान ली। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इतिहाद की वजह से जो स्वदेशी तहरीक चलाई गई थी उसकी वजह से बंगाल की तकसीम को अंग्रेज़ सरकार को रद्द करना पड़ा। ये बहुत ही ज़्यादा आज़ादी के लिए जिंदा जावेदा सबूत और मिसाल बन चुकी थी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं। 1916 में जो शुरू हुई थी होम रूल तहरीक, एक तहरीक हमने पढ़ी स्वदेशी तहरीक, उसी तरह से एक तहरीक थी होम रूल तहरीक। होम रूल से पता चलता है कि हमारा घर तो हमारी सत्ता, इसी तरह से हिंदुस्तान हमारा है तो हिंदुस्तान की सरकार भी कौन सी होनी चाहिए, हिंदुस्तानी आवाम ही होनी चाहिए, ना कि ब्रिटिश सरकार। इसीलिए एक तहरीक चली थी। शिद्दत पसंद लीडर बाल गंगाधर तिलक को मांडले की जेल में रखा गया था। शिद्दत पसंद लीडर थे इसीलिए उन्हें जो कांग्रेस शिद्दत पसंद लीडर की जो क्वालिटी थी वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसीलिए उन्हें मांडले की जेल में डाल दिया गया था अंग्रेज़ सरकार के ज़रिए। यहाँ तिलक उनके साथियों को यकीन हो गया कि होम रूल के लिए तहरीक चलानी चाहिए। होम रूल का मतलब ये होता है गृह स्वराज, मतलब हमारा स्वराज हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तहरीक तो चलानी पड़ेगी। चुनांचे उन्होंने पूना में 28 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की बुनियाद डाली, और साथ ही साथ तिलक ने यह ऐलान किया कि स्वराज मेरा पैदाइशी हक है, स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और इसे हासिल करके रहूँगा। इस तरह उन्होंने होम रूल की तहरीक चलाई, उसकी इब्तिदा की। मोहतरमा एनी बेसेंट ने भी चेन्नई मद्रास में 19 सितंबर 1916 में होम रूल लीग की बुनियाद डाली। इन दोनों इदारों का मकासद आइनी राहों से ग्रोस स्वराज हासिल करना था। तिलक ने अपने अखबार केसरी और मराठा में मजामी लिख कर तकरीरें करके होम रूल की हमायत में अवामी राय अमा हमवार की, यानी कि अवाम की राय अमा को मजबूत किया।
इस दरमियान तिलक को लोकमान्य के तौर पर पुकारा जाने लगा। याद रखना है कि इसी दौरान तिलक को लोकमान्य तिलक के तौर पर पहचाना जाने लगा। एनी बेसेंट ने भी इसमें बहुत सारा अपना अहम रोल अदा पेश किया है। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है यही है मोहतरमा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने हफ्त रोज़ा, द कॉमनवेल्थ और रोज़नामा न्यू इंडिया के ज़रिए होम रोल की तबलीग की। मतलब इन अखबारों के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए उन्होंने लोगों तक अपनी सोच को पहुंचाया और जो होम रोल, जो गृह स्वराज्य की तहरीक की अहमियत थी, उसे आम लोगों को समझाया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग वगैरह इदारों ने इस तहरीक की हिमायत की। मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास जैसे कायदीन भी इस तहरीक में जुड़ गए। सरकार की मुखालिफत में लिखने की बादाश में द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया को बंद कर देना पड़ा। जो अखबारों में राय अम्मा को मजबूत करने के लिए लिखा जाता था वो सरकार के खिलाफ था। इसलिए सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने इन दोनों अखबारात को बंद कर दिया। इवन इसके अलावा मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार करके जून 1917 में उटा कामोंड में नज़र कैद कर दिया। पूरे मुल्क से एनी बेसेंट को छोड़ देने का मुतालबा शुरू हो गया। जुलूसों और जुलूस के ज़रिए जा बजा भारी मुखालिफत की गई। चुनांचे सरकार ने एनी बेसेंट को आज़ाद करने के लिए मजबूर हुई और बिलाखिर 10 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार के ज़रिए हिंदी वज़ीर मॉन्टेग्यू का ऐलान करना पड़ा कि बरतानवी हुकूमत का नज़्बुलैन, इंतज़ामिया में हिंदुस्तानियों की तादाद बढ़ाना और जावेदा सियासी निज़ाम बनाना है। मतलब ये कि एनी बेसेंट को जो अंग्रेज़ों ने नज़र कैद कर दिया था, इसीलिए एनी बेसेंट को आज़ाद करवाने के लिए लोगों ने बहुत ही सख्त मुखालिफत की और अंग्रेज़ों को मजबूर होकर उन्हें आज़ाद करना पड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि आवाम की जो बहुत ही इतिहाद बढ़ चुका है, इसीलिए उन्होंने ऐलान किया कि हिंदुस्तानियों की तादाद उन्हें इंतज़ामिया में बढ़ाना है। मतलब मैं ओवरऑल वो हिंदुस्तानियों की हेल्प ही करने आए हैं, ऐसा उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को जताया। और दूसरी साइड देखें तो होम रूल लीग की शाखें इंग्लैंड और अमेरिका में भी शुरू हो गई थी। इंग्लैंड और अमेरिका, ये दो नाम से हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि भारत के बाहर भी इस चीज़ के लिए, होम रूल के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए काम शुरू हो चुका था। तो इस तरह से बंगाल की तकसीम करने पर अंग्रेज़ सरकार को मजबूर किया गया, रद्द करने पर मजबूर किया गया। और दूसरा, होम रूल लीग में जो एनी बेसेंट ने अपना इतना ख़ास हथियार दिया जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था, उसमें भी आवाम ने जो मुखालिफत की तो अंग्रेज़ सरकार को उन्हें आज़ाद करने पर मजबूर कर दिया गया। तो ये कुछ ज़िंदा मिसालें आवाम के सामने पेश आने लगी कि अगर आवाम इत्तेहाद होकर मिलजुल कर करे तो अंग्रेज़ सरकार की जो उनकी सरकार है उसको वो ख़त्म कर सकती है और अपने देश को वो आज़ाद कर सकते हैं। वीडियो को अगेन देखिए, रिपीट समझिए उसे। सन को आपको याद रखना है कि बंगाल की तकसीम कब हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना बुनियाद कब डाली गई थी, होम रूल लीग तहरीक कब चली थी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बिकॉज़ ये सेक्शन बी या सेक्शन सी या एमसीक्यूज़ में आपके क्वेश्चंस आते ही है, तो इसको समझिए। वीडियो को अगेन देखिए। ओके, थैंक यू।